फास्ट न्यूज की खबरों में एक बार फिर हाजिर है। कर्नाटक बागलकोट में अमृत महोत्सव के तहत कार्यक्रम माउंट आबू से आए बीके भगवान ने भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए विकारों को समाप्त करने का किया आह्वान। काशीनाथ महास्वामी गुलदगुंड समेत कई विशिष्ट लोग शामिल। बिगली सेवा केंद्र द्वारा भी अमृत महोत्सव के अंतर्गत आयोजन। शिवाचार्य महास्वामी कलमठ, बीके भावना, बीके नागरत्ना और बीके भगवान ने धर्म और आध्यात्म में बताया अंतर। बिहार के गया सेवा केंद्र पर दादी गुलजार की मनाई गई पुण्यतिथि। पार्षद संतोष कुमार, बार एसोसिएशन सचिव हिमांशु कुमार मुरारी, प्रभारी वीके शीला ने दी भावपूर्ण श्रद्धांजलि। उज्जैन के ऋषिनगर सेवा केंद्र पर महिलाओं के लिए विशेष कार्यक्रम। सेवा केंद्र प्रभारी वीके उषा, योगानंदम नारी शक्ति पीठ की अध्यक्षा पारुल शाह समेत विशिष्ट लोगों ने कहा, राष्ट्र की प्रगति तब तक नहीं हो सकती जब तक नारी का सम्मान न किया जाए। इंदौर के कालानी नगर सेवा केंद्र पर संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी गुलजार जी के स्मृति दिवस पर आयोजन। प्रभारी बीके जयंती ने दादी जी के महान व्यक्तित्व से कराया अवगत। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत महिला बाल विकास की उदिता योजना के तहत किशोरी बालिका प्रशिक्षण कार्यक्रम का हुआ आयोजन। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में डॉक्टर अनामिका गुप्ता ने रखे अपने विचार। हरियाणा में खेलेगा भारत जीतेगा भारत थीम पर झिंगटपुर में खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन। बीके सरला ने कहा, जीवन भी इसी खेल की तरह है। 80 बच्चों ने उमंग उत्साह से लिया हिस्सा। मध्य प्रदेश हरपालपुर सेवा केंद्र और ट्रांसपोर्ट विंग द्वारा रेलवे स्टेशन पर कार्यक्रम। स्टेशन मास्टर डी के सिंह, सेवा केंद्र प्रभारी बीके आशा ने रखे विचार। संस्था की गतिविधियों से अवगत कराने के साथ जर्नी शब्द का बताया आध्यात्मिक रहस्य। एमपी सतना के पतेरी सेवा केंद्र पर मनाया गया दिव्यता दिवस। प्रभारी बीके शिशी ने कहा कि दादी जी को बचपन से ही दिव्य दृष्टि का वरदान प्राप्त था। अपरा सेवा केंद्र पर दादी गुलजार जी के प्रथम पुण्यतिथि पर उन्हें अर्पित की गई श्रद्धांजलि। बड़ी तादाद में बीके सदस्य हुए शामिल। सेवा केंद्र प्रभारी बीके ज्योति ने दादी जी को कराया भोग स्वीकार। झालावाड़ सेवा केंद्र में मनाया गया दादी हृदयमोहिनी जी का पहला स्मृति दिवस। सभी के लिए मेडिकल विंग के तहत निशुल्क स्वास्थ्य निरीक्षण शिविर का आगाज। मौके पर कई अतिथियों ने दादी जी को किया याद। खंडवा में भी दादी जी के स्मृति दिवस पर उनके गुणों और शक्तियों को याद करते हुए उन्हें दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। बीके सदस्यों ने दादी जी को दिल से किया याद। पन्ना उप सेवा केंद्र पर भी राजयोगिनी दादी गुलजार जी के प्रथम पुण्यतिथि पर कार्यक्रम। सभी सदस्यों ने दादी जी की दिव्यता और उनके गुणों को किया याद। उप सेवा केंद्र प्रभारी बीके सीता ने दादी जी की विशेषताओं पर डाला प्रकाश। सारंगपुर सेवा केंद्र पर भी दादी गुलजार जी की पहली पुण्यतिथि को दिव्यता दिवस के रूप में मनाया गया। लायंस क्लब के जोन चेयरपर्सन अतुल जोशी, पूर्व रीजन चेयरपर्सन महेश शर्मा ने दादी जी के साथ के अनुभव किए साझा। दादी गुलजार जी की प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर ब्रह्म कुमारी सुल्तानपुर के विश्व शांति भवन सेवा केंद्र पर उन्हें दी गई श्रद्धांजलि। कमला नेहरू औद्योगिक शिक्षण संस्था के प्रोफेसर डॉक्टर बी के हरेंद्र गुप्ता रहे मौजूद। उज्जैन सेवा केंद्र पर दादी गुलजार जी को सभी बीके सदस्यों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। प्रभारी बीके उषा, बीके निरुपमा ने दादी जी को अर्पित किए श्रद्धा सुमन। सभी बीके सदस्यों ने दादी जी को नम आंखों से किया याद। कोलकाता म्यूजियम सेवा केंद्र द्वारा दिव्यता दिवस पर आयोजन। बीके कानन ने दादी हृदय मोहिनी के साथ के अनुभव किए साझा। मुद्दे बिहार के वीवीए गर्ल्स हाई स्कूल में बीके भगवान ने पढ़ाया नैतिकता का पाठ। मुख्याध्यापक मुर्गेश होकारानी, प्रभारी बीके रेणुका समेत अनेक विशिष्ट लोग रहे मौजूद। सभी ने किया राजयोग का अभ्यास। जबलपुर के शक्ति नगर सेवा केंद्र में कार्यक्रम। सभी ने विशेष योग करके शिव शक्ति रूप का किया अनुभव। सेवा केंद्र प्रभारी बीके कविता ने महिलाओं का बढ़ाया उत्साह। कोलार के सेज इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में हेल्थ अवेयरनेस विषय पर कार्यक्रम। नीलबर्ड सेवा केंद्र प्रभारी बीके नीता डॉक्टर दिलीप नलगे ने संबंधों में मधुरता लाने के लिए दिए टिप्स। आत्मनिर्भर बनने का दिया संदेश। कर्नाटक के गुलबर्गा में बीजेपी जिला उपाध्यक्ष विजयलक्ष्मी गोबूर ने रखे विचार। महिला दिवस और राजयोगिनी दादी हृदयमोहिनी जी के स्मृति दिवस पर आयोजन।
आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत पंचवटी सेवा केंद्र की ओर से करौन जीवनश्री अस्पताल में नए आईसीयू कक्ष का हुआ उद्घाटन। हॉस्पिटल के ट्रस्टी आशीष और डॉक्टर दीप्ति सहित कई डॉक्टर्स रहे मौजूद। मौके पर बीके सुंदरी ने रखे अपने विचार। सुख शांति भवन नीलबड़ भोपाल की ओर से सुरक्षा सेवा प्रभाग के अंतर्गत स्टेट इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में हुआ कार्यक्रम। डिप्टी कमांडेंट कमलेश शर्मा, सहायक कमांडेंट सोफिया मुदगल कुरेशी ने रखे अपने विचार। इंस्टीट्यूट ऑफ टीचिंग एंड रिसर्च इन आयुर्वेदा जामनगर ने ब्रह्मा कुमारीज के साथ मिलकर मनाया आजादी का अमृत महोत्सव। कार्यक्रम में मुख्य वक्ता के रूप में संस्था की महिला विंग की कोऑर्डिनेटर डीके सबिता ने महिलाएं नए भारत की ध्वजवाहक विषय पर डाला प्रकाश। बारानगर सेवा केंद्र की ओर से एक शोभा यात्रा का हुआ आगाज। भावा पगला महासम्मेलन गंगा शोभा यात्रा बाग बाजार जट्टी घाट से शुरू हुई। इस यात्रा में आचार्य गोपाल खेत्री और विदेश अतिथि के रूप में ठाकुर अमीर ब्रह्मचारी रहे उपस्थित। आजादी के अमृत महोत्सव से स्वर्णिम भारत की ओर के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर स्नेह मिलन कार्यक्रम का आयोजन। 200 महिलाओं ने लिया भाग। वटवा वार्ड संगठन की मंत्री रह चुकी बिजल रावल रही मौजूद। फास्ट न्यूज में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए मधुबन न्यूज।